वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ मार्कंडेय महादेव का दर्शन करने। जो लोग मार्कंडेय महादेव का दर्शन नहीं कर पाए हैं कोरोना से पहले, जो लोग दर्शन किए हैं, इसमें आप लोग को मैं मार्कंडेय महादेव का दर्शन करा सकता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए सामने जो बोर्ड लगा है, मार्कंडेय महादेव का बोर्ड लगा है, जाने का रास्ता आगे से है। ये देख रहे हैं, जो रास्ता देख रहा है, सीधे जाना है मार्कंडेय महादेव के लिए, निकल जाएगा रास्ता सीधे, कहीं मुड़ना नहीं है। आगे मंदिर का मेन द्वार है, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। देखिए मार्कंडेय महादेव पहले से कितने चेंजमेंट हो गए हैं। पहले देखते हैं, पहले ऐसा नहीं था, मतलब अब तो स्थिति की बोर्ड वोर्ड भी लग गया। श्री मार्कंडेय महादेव मंदिर, श्री तुलसीदास जी स्मृति द्वार। एक गेट काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, क्योंकि पहले गेट था लेकिन उसमें थोड़ा सा पुराना था, लेकिन इसमें कुछ चेंजमेंट किया गया। देख सकते हैं लिखा है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति द्वार, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। कितना चहल पहल था पहले, अब देखिए कितना सन्नाटा लग रहा है मंदिर के पास। चलिए आगे दिखाता हूँ। देखिए मंदिर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ आगे दर्शन करने के लिए मार्कंडेय महादेव का। ये देखिए गेट के अंदर मैं बढ़ गया हूँ, देखिए कितना खाली है, काफ़ी दुकानें खुली ही नहीं है। आगे जो नीचे देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गोला बनाया गया है, ताकि लोगों को दर्शन करना है तो एक मीटर की दूरी बना के ही रखें। आगे मैं चल रहा हूँ, ये देखिए दुकानें भी देखिए, एक भी कस्टमर नहीं है, ऐसे ही बैठा है देख रहे हैं आदमी। कोरोना महामारी जब से आ गया तब से लोगों का बहुत दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं। इस समय बिजनेस चल भी नहीं रहा लोगों का। यहाँ पे मार्केट लगता है प्रसाद वगैरह लेने के लिए। ये देखिए लेफ्ट साइड में खिलौने का दुकान है। मैं आगे से आप लोग को जो राइट टर्न जो दुकानें खुली, मैं आते समय आपको दिखाऊंगा। से चलते हैं। देखिए कुछ ये मंदिर में काफ़ी बहुत सारे चेंजमेंट भी किए गए, देख सकते होंगे। देखिए इधर का दुकान बंद है पूरा, गोला बनाया गया, सिर्फ गोले में ही जाके दर्शन करना है लोगों को। मंदिर खुला है। मैं सोचा कि भाई अगर लोग दूर से मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो लोग दर्शन नहीं कर पाते तो मेरे वीडियो के माध्यम से लोग दर्शन कर सकते हैं मार्कंडेय महादेव का, क्योंकि बहुत दिन हो गया। तो मैं भी दर्शन किया था कोरोना से पहले ही, जब कोरोना नहीं तब भी उससे पहले मैं दर्शन किया था। मैं सोचा कि कोरोना कब तक चलता ही रहेगा, अगर दर्शन भी कर लूँ। ये देखिए लाइट टाइम में दुकानें खुली हैं। देखिए मालापुर की दुकान ये है, सामने देख सकते होंगे। ये गंडा वगैरह सब रेलिंग पे लगाया गया है। अरे लेफ्ट साइड में खिलौनों की दुकान है, मंदिर पर सामने दिख रहा है, लेकिन भीड़ थोड़ा सा भी नहीं है, सिर्फ दो चार लोग बस यही लोग दर्शन कर रहे हैं मंदिर में। दुकानें बहुत कम खुली हैं। देखिए हम गेट पहुंच चुके हैं। ये देखिए टेबल पे जल चढ़ाने के लिए रखा गया, जिसको जल चढ़ाना है वो चढ़ा सकता है लेके। ये सामने देखिए गेट आ गया है मार्कंडेय महादेव का, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मंदिर देखने में। देखिए आदमी लोग बैठे हैं बाइक पे, और देखिए थोड़ा सा भी भीड़ भी नहीं है। मैं अंदर चल के भी दिखाता हूँ आप लोग को। चलिए चलते हैं अंदर, इधर प्रसाद वगैरह मिलता देख सकते होंगे। इधर देख सकते हैं पहले तक चेंज में पूरे घंटे वंटे में पूरा ऐसा बना गया है, कोरोना वोना ना पाए, मतलब देख सकते होंगे। इधर मेन द्वार यही है, देखो दर्शन कर लीजिए आप लोग, यही है। मंदिर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला बनाया गया, देख सकते होंगे। एक मीटर की दूरी बना के दर्शन करना है मंदिर। देखिए द्वारा मेन द्वारा जाने का, अंदर एकदम भीड़ नहीं, एकदम खाली मंदिर है एकदम। जय हो बाबा। ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। बाबा मार्कंडेय महादेव का दर्शन हो चुका है। ये देखिए दुकान है, यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है। अब गेट के बाहर मैं निकल रहा हूँ। ये वीडियो मैं बनाया था 10 सितंबर को, लेकिन कुछ कारणों से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं आज इसको अपलोड किया हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोरोना नहीं था तो इस मंदिर में काफ़ी भीड़ होती थी, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो और कहाँ की चाहिए, और अब ये भी बताइए कि वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है। आप लोग कमेंट करते तो मुझे एक उत्साह मिलता है दूसरी वीडियो बनाने के लिए। ऐसे ही आप लोग चैनल पर सपोर्ट करिएगा। आज जितने लोग मार्कंडेय महादेव से कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन कौन मार्कंडेय महादेव से है। ये देख रहे हैं ऊपर जो लगा है टीन सेट लगाया गया है ताकि मंदिर के अंदर छांव रहे, लोगों को धूप न लग सके, दर्शन आराम से कर सकें लोग। जिन्हें मैं बाहर निकल रहा हूँ, अगर वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो एक उत्साह मिलता है वीडियो दूसरे बनाने के लिए। भविष्य में और जगह कहाँ की वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देंगे। बस वीडियो बस यहीं तक की थी, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी।